हेलो एवरीवन, वेलकम टू पॉकेट स्टडी एजुकेशन चैनल रे मु आलोक आपण मानंकु स्वागत करुछि। तबे आज आम डिस्कशन करिबा इंग्लिश ग्रामर रो क्वेश्चन जहाँकि आम ओएसएससी तरफ जो आम सीबीआरई मोड रे जो परीक्षा कंडक्ट कराइला 9 फेब्रुआरी 2022 रे सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर तार इंग्लिश पेपर आम टोटाल आज डिस्कसन करवा मैंने 25टा क्वेश्चन रही जहाँकि 9 तारीख में मैंने प्रति पार्ट्रे आम डिस्कसन करुचे मैंने 8 तारीख में मुझे अलरेडी डिस्कसन कर दे तार वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाव। आज आम डिस्कसन करवा 9 फेब्रुआरी 9 फेब्रुआरी जहाँकि सेकेंड पार्ट रोचे आउ 10 और 11 दुटा पार्ट्रे आसीज तेणु आज आम डिस्कसन करवा 9 फेब्रुआरी 2022 आम जो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर परीक्षा कंडक्ट कर तर इंग्लिश पार्ट आज आम डिस्कसन करवा तेज चलत आरंभ करवा। तो आम प्रथम क्वेश्चन रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल आर्टिकल फ्रम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आम वाक्यटा कौन था आई एम गोइंग टू सी डैश स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी दिस ईयर। ऑप्शन थिला ए आन दी नोयर। तो यार आम आर्टिकल देवार अच्छी तो आपण मैंने जानते यहाँ हूँ मैंने गोटे सिंगल मैंने आपड़ा जितने स्टाच्यू ऑफ लिबर्टी गोटे तेणु ये यूज हम आर्टिकलटा दी तो सठिक उत्तर होमर ऑप्शन सी स्टाच्यू ऑफ लिबर्टी आगे लगे द स्टाच्यू ऑफ लिबर्टी आई एम गोइंग टू सी द स्टाच्यू ऑफ लिबर्टी दिस ईयर। तो ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज ग्रामाटिकली एंड कन्सेप्चुअली विथ द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन सिलेक्ट द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। तो आम बाकीटा कौन देता वन्स ए न्यू बिजनेस हैज बीन स्टार्टेड द ओनर विल नीड टू रिटेल दोज प्रोडक्ट ऑन देयर ओन वेबसाइट। तो यहाँ मैंने वाक्य किसी भी चेंज हेनी जहाँकि से रो तो नो एरर रो जहाँकि द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। तो सठिक उत्तर होता है ऑप्शन डी किसी चेंज हमने ये। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही आई डैश रेंट येट आमर था हाव नॉट पेड पेड वाज पेड इज पेइंग। तो आपने देखू आई हाव नॉट पेड हम तो आई हाव नॉट पेड रेंट येट मैंने मुझे जाए रेंट देनी तो सठिक उत्तर रही है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही रिप्लेस द अंडरलाइन फ्रेज ग्रामाटिकली एंड कन्सेप्चुअली विथ द हेल्प ऑफ द गिवन ऑप्शन। इफ द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट देन सिलेक्ट द ऑप्शन द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। तो आम कौन देता वाक्य द बॉय वाज पजल्ड बाय हिज रिसेंट वेट गेन सिंस ही एक्सरसाइज रेगुलरली एंड एट हेल्दी मिल्स। तो ये किसी भी चेंज हेनी आपर द गिवन सेंटेंस इज करेक्ट मैंने टोटाल किसी चेंज हेनी तेणु गिवन सेंटेंस इज करेक्ट। तो सठिक उत्तर रही है ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही इफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस मे हैव एन एरर फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एरर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन करेस्पंडिंग टू इट। इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एरर देन सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर अवॉइड पंक्चुएशन एरर्स। तो प्रथम आम वाक्यटा देखिए वाक्यटा कौन अच्छी एवरी बॉय एंड गर्ल वे आर रेडी टू अटेंड द फंक्शन नो एरर। तो आप देखो ऑप्शन दे कौन बी रे एरर अच्छी सी रे एरर अच्छी ए रे एरर अच्छी ना डी रे अच्छी। तो यार आप देखते प्रथम कौन रही वाक्यटा देती एवरी बॉय एंड गर्ल जैकि सिंगुलर फर्म हवा कथा। तो ये ऑप्शन बी रे जो रही वाज हवा कथा वे आर देती जहाँकि गोटे एरर। तो यहाँ मैंने प्लुराल प्रोनाउन रही जहाँकि सिंगुलर प्रोनाउन हवा कथा तेणु ये एरर रही तेणु सठिक उत्तर होती ऑप्शन बी जैकि ऑप्शन एटा हूँ एठार करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही व्हेन आई फास्ट मेट हिम हि डैश कॉस्टली गोल्ड चेन। तो यार कौन हम तो आप ऑप्शन देखते वाज वेयरिंग इज वेयरिंग ओर वेयर्स। तो यार सठिक उत्तर होन आई फास्ट मेट हिम हि वाज वेयरिंग मैंने से पिंधि तो आप देखते ऑप्शन एटा हूँ करेक्ट आंसर जहाँकि हि वाज वेयरिंग कॉस्टली गोल्ड चेन। तो सठिक उत्तर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम देती फाइंड द करेक्ट एक्टिव पासिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पासिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आप देखते प्रथम आपंकर पासिव वॉइस देती बाय देती आप जानपर एटा पासिव वॉइस देती तो एक्टिव करवा तो आम कौन देती दिस कैन नॉट बी सेट राइट बाय देम सो इजिली। तो तार आम जो एक्टिव वॉइसटा कौन हम दे कैन नॉट सेट दिस राइट सो इजिली। तो सठिक उत्तर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम देती द बॉस डैश माइ सैलरी। ऑप्शन थिला अराउज्ड रोज आरोज रेज्ड। तो यार सठिक उत्तर होता है ऑप्शन डी द बॉस रेज्ड माय सैलरी। तो सठिक उत्तर होता है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो बाकीटा कौन देती द रूमर स्प्रेड डैश द कंट्री। तो यहाँ आक्रोस हम तो सठिक उत्तर होता है ऑप्शन सी। तो अलग जो ऑप्शन देता है बिलो एलोंग बिटवीन एरा किसी भी हेनी आक्रोस द कंट्री मैंने रूमर स्प्रेड करे आक्रोस द कंट्री। तो सठिक उत्तर होता है ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा नेक्स्ट क्वेश्चन आम देती
इन द फॉलोइंग क्वेश्चन वन पार्ट ऑफ द सेंटेंस में हैव एन एरर फाइंड आउट व्हिच पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैज एन एरर एंड सिलेक्ट द ऑप्शन करेस्पॉन्डिंग टू इट इफ द सेंटेंस डज नॉट हैव एनी एरर देन सिलेक्ट द ऑप्शन नो एरर अवॉइड पंक्चुएशन एरर्स तापर बाकीटा कौन देखिए राम एंड आई इज गोइंग टू विजिट द कॉलेज ऑन संडे नो एरर आपण देखंतु वाक्यटा रहिछि राम एंड आई इज गोइंग टू विजिट द कॉलेज ऑन संडे तो एठे एरर कोठे अछि एरर अछि इज रे कारण एठे सिंगुलर फॉर्म रे एटा हबनी कारण एटा प्लुरल हबो इति पई राम आउ मी माने राम एंड आई माने दि जन रहिले तो एठे आपणकर प्लुरल फॉर्म हबा कथा एठे सिंगुलर फॉर्म दे दिछि जाकी सिंगुलर प्रोनाउन देछि जाकी एटा रोंग तो सटीक उत्तर होछि आपणकर ऑप्शन बी जाकी आपणकर जो रहिछि ऑप्शन सेक्शन टा बी सेक्शन टा रोंग रहिछि जाकी एरर रहिछि तो सटीक उत्तर होछि आपणकर ऑप्शन डी तो आप बुझिपारे ये मैंने एरर केमी पाइबे तो आप प्रथम देखिए गोटे गोटे एग्जांपल आप दूसरे आप जापर हि एंड आई तो हि एंड आई हो पार बुझिपारे हि एंड आई हो पार किंतु जदि आप देखिए आउ गोटे केस रे जे मी एंड हिम केबे भी हो पार्बन एटा रंग एटा माने मी एंड हिम जिते करेंगे ये रंग होवल हि एंड आई हो पार जोटा कि आपंकर दीज जिते रे से आपंकर प्लुराल फॉर्म रे राम आउ से दीज माने राम आउ दीज तो ये आपंकर सिंगुलर फॉर्म रही सिंगुलर प्रोनाउन रही ये रुराल प्रोनाउन रहा कथा जहाँकि एरर रही तो इज जगार आर होते सटिक होता तो ये एरर रही बी रे तो सटिक उत्तर रही ऑप्शन डी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट आम रही फिल इन द ब्लैंक्स विथ ई सुइटेबल प्रिपोजिशन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो आम कौन देखिए वाक्यटा द स्क्वाड फाउंड ए बम डैश द ट्रक ऑप्शन इतला अगेंस्ट अंडरनीथ फॉर टू तो आपंकर सटिक उत्तर हम द स्क्वाड फाउंड ए बम अंडरनीथ द ट्रक माने माने आमर जो ट्रक रे माने अंडरनीथ माने ट्रक रे तो सटिक उत्तर हो ऑप्शन बी तो ठीक प्रिपोजिशन होची हमर अंडरनीथ द ट्रक तो अंडरनीथ हम सटिक उत्तर जैक ऑप्शन बी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन हम देथिला फिल इन द ब्लैंक्स विथ द सुइटेबल आर्टिकल फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तमर अल्टरनेटिव माने आपनकर ऑप्शन चारटा देखि दबा गपर बाकीटा देखिबा माने आर्टिकल देची ए दी नो आर्टिकल माने आर्टिकल नहीं आन देची तो आपनकर एठे देखंतु कोन देची बाकीटा द क्रैश ऑफ डैश इथियोपियन एयरलाइंस पैसेंजर जेट बाउंड फॉर नैरोबी ऑन संडे रेज द क्वेश्चंस अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोइंग एयरक्राफ्ट्स तो आपनकर एथि देची द आपन देखंतु एठे आपनकर आन कॉप हेबो म कहि दउची ए ई I O U जोटे थी से आपंकर आन हम तो आप देखते इथियोपियन जो रही पूर्व इ अच्छी तो ये आप लगे आन तो सटिक उत्तर आपंकर आन आर्टिकलटा ये बस तो सटिक उत्तर आपंकर ऑप्शन डी तो आपंकर हम द क्रैश ऑफ ऑफ आन इथियोपियन एयरलाइंस पैसेंजर जेट बाउंड फॉर नैरोबी ऑन संडे रेज द क्वेश्चन अबाउट द सेफ्टी ऑफ द बोइंग एयरक्राफ्ट तो सटिक उत्तर आमर सुइटेबल आर्टिकलटा होची आन नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही फाइंड द करेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स तो आम देखो ये कौन देखिए डायरेक्ट मैंने आपंकर इनडायरेक्ट स्पीच और डायरेक्ट स्पीच करार अच्छी तो आप देखिए हि सेड टू मी प्लीज शट द डोर तो से मत कहले से दुआटा बंद करूँ तो आपंकर ये कौन हम हि रिक्वेस्टेड मी टू शट द डोर मैंने से मत रिक्वेस्ट कले दुआटा बंद करने सटिक उत्तर ऑप्शन डी तो आपने इजिली टी मैंने देखिए जब आप करेंगे इजिली आप इंग्लीश करेंगे प्राक्ट कले आप इजिली हो पार तो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही रिअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस एंड फाइंड द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस आमर दे पी क्यू आर एस दे मैंने टोटाल मैंने मैंने जम्बल टाइप देखिए आरेंज करवा तो आप ह्यूमन बॉडी इज नोन बायोलॉजिकल क्लॉक दैट टू हैव एन इनबिल्ट इज जेनेटिकली ड्रिवेन तो आप सटिक उत्तर हम पीआरक्यूएस मैंने आप प्रथम रोज ह्यूमन बॉडी इज नोन टू हैव एन इनबिल्ट बायोलॉजिकल क्लॉक दैट इज जेनेटिकली ड्रिवेन तो आप सटिक उत्तर होगी ऑप्शन डी तो आप मैंने वाक्य गुड़िक ठीक आरेंज कले आप इजिली जापरेंगे पी क्यू मैंने पी आर क्यू एस जमी आरेंज करेंगे प्रत्येक प्रत्येक सेक्शन आप इजिली धरीपरेंगे जो कौटे आप सठिक लगुच वाक्यटा आप इजिली धरीपरेंगे नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही रिअरेंज द फॉलोइंग टू फॉर्म ए मीनिंगफुल सेंटेंस मैंने से ही सेम जम्बल दे मैंने आम सेंटेंस गुड़िक से गुड़क आम सेटअप करवा तो से आप द फंड्स विल बी गिवन टू द स्टार्टअप सिलेक्टेड बाय डिफरेंट नॉलेज पार्टनर्स तो आपंकर ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही
फाइंड द करेक्ट डायरेक्ट स्पीच फॉर द गिवन सेंटेंस इन इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तुम्हारे कौन दे वाक्यटा वाक्यटा मोर दे यू रिक्वेस्टेड योर मदर टू ग्रांट हर लीव फॉर सम टाइम। तो ये आपंकर हम यू सेड टू योर मदर प्लीज ग्रांट हर लीव फॉर सम टाइम। तो सठिक उत्तर हो ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही फाइंड द करेक्ट एक्टिव पैसिव वॉइस फॉर द गिवन सेंटेंस इन पैसिव एक्टिव वॉइस फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो आपर कौन देता सी माइट क्रिएट प्रॉब्लम। तो सी माइट क्रिएट प्रॉब्लम हम प्रॉब्लम माइट बी क्रिएटेड बाय हर। तो आपर ये देखिपे आपटा देखा एक्टिव वॉइस देता पैसिव वॉइस आम कले तो आम पैसिव वॉइस आप जापर बाय जोटे देखा हूँ पैसिव वॉइस। तो आपर ऑप्शन सी हूँ करेक्ट आंसर जहाँकि सी माइट क्रिएट प्रॉब्लम जोटा कि एक्टिव वॉइस था पैसिव वॉइस कल हम प्रॉब्लम्स माइट बी क्रिएटेड बाय हर। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही मैंने पैसेज देती पैसेज गुड़िक करवा। तो पैसेज कौन देता देखा इट्स डार्क इट इज ऑलवेज डार्क दिस डेज लाइट्स इन द स्काय बर्न योर आईज सो इट इज एडवाइज टू कीप डैश अवे फ्रॉम द लाइट और कीप योर फेस टू ग्राउंड इन द होप्स दैट दे विल गो अवे बट दे डोंट द एयर इज हेवी एंड पॉइजनस टू ब्रीथ सो इट इज बेटर टू वेयर ए मास्क ऑल टाइम्स डैश आर टफ रूल्स टू फॉलो। ऑप्शन देता योर दिज दैट योर्स। तो ये आपर हम कीप योर्स अवे फ्रॉम द लाइट तापर आप लास्ट को मध्य हम आट ऑल टाइम्स योर्स आर टफ रूल्स टू फॉलो। तो ऑप्शन डी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही इट्स डार्क इट इज ऑलवेज डार्क दिस डेज लाइट्स इन द स्काय बर्न्स योर आईज सो इट इज एडवाइजेबल टू कीप डैश अवे फ्रॉम द लाइट और कीप योर फेस टू ग्राउंड इन द होप्स दैट दे विल गो अवे बट दे डोंट द एयर इज हेवी एंड पॉइजनियस टू ब्रीथ सो इट इज बेटर टू वेयर ए मास्क ऑल द टाइम्स दोज आर टफ रूल्स टू फॉलो। तो आपको दोज मध्य लगे ये ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर मैंने दुटा के दोज लगे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही पैसेज गोटे पैसेजर आंसर डायरेक्ट आम देखा पैसेज गुड़िक आपर पैसेज गुड़िक मानने किसी डेस्क्रिप्सन करा कि दरकार नहीं पैसेज आप पढ़ले ही आपरें। तो पैसेज को आप मैंने इजी ट्रिक हूँ आप पैसेज सल्व करने प्रथम क्वेश्चन पढ़े तापर पैसेज को पढ़ले आप इजिली करेंगे। तो आंसर गुड़क आम डायरेक्ट देखा तो अकॉर्डिंग टू पैसेज व्हाट डज द वर्ड सप्रेस मीन। तो सप्रेसर मीनिंग आम पैसेज अनुसार कौन। तो सप्रेसर मीन हूँ कंट्रोल करवा। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आम स्टेटमेंट वन द स्टेट डिसाइड टू अप्रोच द एक्सटर्नल एजेंसी टू इम्प्लीमेंट ए लार्ज स्केल प्रोजेक्ट ऑफ कंट्रोलिंग एफएमडी बिकॉज द स्टेट वांटेड टू गिव ए चांस टू द एक्सटर्नल एजेंसीज। स्टेटमेंट टू देती द स्टेट इनकर्ड ह्यूज इकोनोमिक लॉसेस ड्यू टू द एफएमडी। तो ये आप सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन बी जैक स्टेटमेंट देखो ये आप स्टेटमेंट आप जो देती ऑप्शन बी होची ये करेक्ट स्टेटमेंट वन इज फॉल्स एंड स्टेटमेंट टू इज इट ट्रू। तो आप पैसेज आप जानपरेंगे कौटा ठीक अच्छे कौटा भूल अच्छे आप पढ़ले जानपरेंगे। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही व्हाट कैन बी डन टू सेव द फार्मर्स फेस इकोनोमिक लॉस। तो आपर सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी स्टेप्स मस्ट बी टेकन टू कंट्रोल द एफएमडी। तो आप पैसेज रेटा आंसर मिल जाए ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम आउ गोटे पैसेज देती पैसेजर डायरेक्ट आंसर देखा व्हाट डज आपल इंक यूजेस द स्ट्राटेजी ऑफ डिस्काउंट प्रमोशन। तो आपर से ऑप्शन सी होची करेक्ट आंसर टू गियर अप द स्केल्स ऑफ इट्स प्रोडक्ट। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही अकॉर्डिंग टू द पैसेज व्हाट डज द फ्रेज एम्बार्क्ड ऑन मीन। तो एम्बार्क्ड मीनिंगटा कौन। तो एम्बार्क्ड मीनिंगटा हूँ बेगान। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन डी। नेक्स्ट देखा नेक्स्ट आम रही व्हाट इज द पैसेज अबाउट। तो पैसेजटा कौन देती। तो पैसेज पढ़ले आप जानपरेंगे आंसर डायरेक्ट देखा पैसेजर मीनिंग हूँ मैंने पैसेजटा अबाउट रिसेंट मार्केटिंग स्ट्राटेजी ऑफ आईफोन। तो सठिक उत्तर हूँ ऑप्शन सी। तो आम 9 तारीखर जो सॉइल कंजर्वेशन एक्सटेंशन वर्कर जो परीक्षा होता इंग्लिश पेपर मुझे डिस्कशन कराई। नेक्स्ट पार्ट में आपंकर आसो 10 तारीखर जो इंग्लिश पेपर रही सेटा आम डिस्कशन करवा। तो वर्तमान पे वीडियो रेती जब आपको वीडियो भल लगी तो लाइक निश्चिंत करेंगे कमेंट करेंगे सांग अधिक सेयार करेंगे। तेज वीडियो बर्तमान पे ये देखी थी धन्यवाद।